हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम अप्लायंस इंडिया में। मैं मोहन पोखरियाल आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो जो है आईएफबी वॉशिंग मशीन एग्जीक्यूटिव प्लस VX ID जो कि 8.5 किलो की मशीन है और 1400 RPM के साथ है। दोस्तों इसके साथ इसमें है BLDC मोटर और मिलेगा आपको 9 Motion। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है हमारे सामने एग्जीक्यूटिव प्लस VX ID मॉडल जो कि IFBB का BLDC मोटर के साथ आता है। बहुत ही कम नॉइस, बहुत ही कम वाइब्रेशन होता है इस मशीन में और सबसे प्लस पॉइंट दोस्तों 9 Motion के साथ है ये मशीन जो कि इस वक्त इंडियन मार्केट में किसी भी ब्रांड के पास नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मशीन ऑन है और हमने सबसे पहला प्रोग्राम जो लगा रखा है यहाँ पे है एक्सप्रेस वॉश। तो एक्सप्रेस वॉश की अगर आप यहाँ पे टाइमिंग देखेंगे, यहाँ पे टाइमिंग आ रही है लगभग 30 मिनट, 800 RPM यहाँ पे दिखा रहे हैं और आप इस पे 2 kg तक के कपड़े वॉश कर पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन के अंदर टाइम सेवर और सॉइलेज का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं यहाँ सिलेक्शन पर जाके टाइम सेवर सेलेक्ट करता हूँ तो ये जो एक्सप्रेस वॉश है जो आधे घंटे का यहाँ दिखा रहा है ये 15 मिनट का हो जाएगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। देखिए टाइमिंग अब 15 मिनट की हो गई है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में जाके टाइम सेवर सेलेक्ट करके इसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पे डेलिकेट्स और कलर्स का। तो 2 kg के आप लोड डाल सकते हैं इस पर। कोल्ड वॉश का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहे हैं, साथ में काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं आप देख सकते हैं, प्री वॉश का, सॉइलेज का, सोकिंग का, टाइम सेवर एंड एंटी ग्रीस, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो डेलिकेट क्लोथ्स आप यहाँ पे आराम से वॉश कर सकते हैं, 42 मिनट की इसमें टाइमिंग लगेगी। अब हम बात करते हैं नीचे बल्की एंड बेडिंग। तो बल्की एंड बेडिंग में आपका 1 घंटा 8 मिनट टाइम लगेगा। 2 kg तक के आप कपड़े वॉश कर सकते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर इसने अपने आप सेलेक्ट किया है और 600 RPM में स्पिन करेगा। आप टाइमिंग को यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। तो देखते हैं हम कितना टाइम इस पर इंक्रीज कर सकते हैं या कितना हम टेम्परेचर इस पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर देखते हैं, 60 तक ये इंक्रीज हुआ है और कोल्ड पर आ गया है। तो मैक्सिमम आप इस वाले प्रोग्राम में 60 टेम्परेचर आप कर सकते हैं और RPM हम इस पर देखते हैं कितना RPM हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। 600 अभी बाय डिफॉल्ट लिया इसने, 800 हम इस पर और हमने इंक्रीज़ कर लिया है, फिर उसके बाद ये जीरो पर आ गया है। तो डैट मीन्स कि आप 800 RPM तक इस वाले प्रोग्राम पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंटी एलर्जन हमने नेक्स्ट प्रोग्राम सेलेक्ट किया है। एंटी एलर्जन के अंदर आप 3 kg के कपड़े लोड डाल सकते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर पे काम करेगा, 800 RPM में स्पिन करेगा और जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं वो यहाँ पे साइड में आ रहे हैं। जैसे हॉट रिंसिंग का ऑप्शन आ रहा है, एंटी ग्रीस का आ रहा है, टाइम सेवर आ रहा है, इको आ रहा है, सोकिंग है एंड सॉइलेज है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं रिंस 1 एंड रिंस 2 दिखा रहे हैं। तो आप अगर एक्स्ट्रा रिंस और ऐड करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है वूलन का प्रोग्राम। वूलन की प्रोग्राम की टाइमिंग 42 मिनट है। 2 kg का आप लोड डाल सकते हैं, 30 डिग्री टेम्परेचर इसमें रहेगा बाय डिफॉल्ट और 800 RPM में स्पिन करेगा। नेक्स्ट है बेबी वेयर। बेबी वेयर में आप 3 kg तक का लोड डाल सकते हैं, 60 डिग्री टेम्परेचर रहेगा इसमें बाय डिफॉल्ट, 800 RPM में स्पिन करेगा और लगभग ये 2 घंटे के आसपास ये काम करेगा। फिर है रिंस प्लस स्पिन। तो आप रिंसिंग के साथ स्पिन भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है इसने 17 मिनट की टाइमिंग दिखा रहा है। 8.5 kg का आप लोड इस पर स्पिन कर सकते हैं, 1000 RPM में स्पिन करेगा। आप चाहे तो इंक्रीज यहाँ पे कर सकते हैं स्पिनिंग को। अब आते हैं हम मिक्स ऑयल प्लस के अंदर। तो मिक्स ऑयल में आप 3.5 kg तक का लोड डाल सकते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा बाय डिफॉल्ट, 800 RPM में स्पिन करेगा और 1 घंटा 46 मिनट का इसमें टाइम लगेगा और ये सब ऑप्शन है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
यूनिफॉर्म आपका 1 घंटा 24 मिनट का टाइम लगेगा। 3 kg तक का आप लोड वॉश कर सकते हैं। 40 डिग्री सेल्सियस इसमें टेम्परेचर रहेगा। आप टेम्परेचर को यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं, और ये साथ में ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंथेटिक स्लैश डेली, तो आप ऐसे कपड़े इसमें वॉश कर सकते हैं जिसमें 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 800 RPM में स्पिन करेगा, 1 घंटा 51 मिनट इसमें टाइम लगेगा, और 3.5 kg तक का लोड आप इस पर वॉश कर सकते हैं। साथ में ऑप्शन है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और रिंसिंग आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप और एडिशनल ऐड कर सकते हैं। फिर आप देख रहे हैं कॉटन नॉर्मल प्रोग्राम, तो कॉटन नॉर्मल प्रोग्राम में 8.5 kg का लोड आप वॉश कर सकते हैं। 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, 1000 RPM में स्पिन करेगा, 2 घंटे 40 मिनट का ये टाइम लेगा। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं, देखिए जब यह 40 डिग्री है मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करना चाहूँ तो मैं इस पर 95 डिग्री तक इंक्रीज़ कर सकता हूँ। स्पिन RPM अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो 1000 से बढ़ा के मैं 1400 मैक्सिमम जो है वो मैं इस पर सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो कॉटन वाले प्रोग्राम के अंदर हम मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम RPM सेलेक्ट कर सकते हैं, और ये बाकी सिलेक्शन प्रोग्राम आ रहे हैं कि आप अगर इसके साथ कुछ और सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंस 1, रिंस 2, अब यहाँ पे थर्ड रिंसिंग का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप थर्ड रिंसिंग ऐड करना चाहें तो आप इस पर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स वेयर वाले प्रोग्राम में स्पोर्ट्स के कपड़े अगर आपको वॉश करने हैं तो 2 kg का आप लोड डाल सकते हैं। 40 डिग्री बाय डिफॉल्ट टेम्परेचर लेगा, 800 RPM में स्पिन करेगा, और 1 घंटा 10 मिनट का टाइम लगेगा इस पर। स्पिन स्लैश ड्रेन, अगर आप स्पिन और ड्रेन करना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपने कपड़े सुखा सकते हैं, तो 12 मिनट का ये टाइम लेगा। 8.5 kg के कपड़े आप इस पर स्पिन कर सकते हैं, 1000 RPM में स्पिन करेगा, और आप अगर स्पिन को बढ़ाना चाहते हैं जैसे 1000 ले रहा है तो यहाँ पे आप 1400 तक मैक्सिमम कर सकते हैं इसको, जिसमें टाइमिंग और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी। क्रेडल वॉश में अगर आप क्रेडल वॉश सेलेक्ट करते हैं तो ये IFBB का पेटेंटेड प्रोग्राम है। IFBB के अलावा इसे कोई दूसरा ब्रांड यूज़ नहीं कर सकता। ये प्रोग्राम हाईली डेलिकेट क्लोथ्स के लिए है, जो बहुत महंगे कपड़े होते हैं जिन्हें हम पार्टी वेयर वाले कपड़े भी कहते हैं। ऐसे कपड़ों को आप इसमें वॉश कर सकते हैं। 400 RPM में स्पिन करेगा, 37 मिनट का इसमें टाइम लगेगा, 2 kg का लोड आप डाल सकते हैं, और 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस पर रहेगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारे प्रोग्राम जो मैंने अभी बताए हैं। मॉडल नेम है इसका क्यूटी प्लस VXID 8.5 kg 1400 RPM। तो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों ये है डिटर्जेंट चैम्बर, और ये आप देख रहे हैं प्री वॉश चैम्बर, ये है मेन वॉश चैम्बर, और ये है एडिटिव चैम्बर। मेन वॉश चैम्बर में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिक्विड डिटर्जेंट के लिए लिक्विड डिटर्जेंट डिस्पेंसर दिया है कंपनी ने। तो अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके फेसिया में देखें यहाँ पर लिखा हुआ है इको इन्वर्टर, तो ये जो मशीन है दोस्तों ये BLDC मोटर के साथ है, इसलिए यहाँ पे इको इन्वर्टर लिखा हुआ है। आप इस मशीन में 9 मोशन के साथ वॉशिंग कर सकते हैं। बहुत ही कम नॉइस होगा, बहुत ही कम वाइब्रेशन होगा इस मशीन के अंदर। सो ये अब IFBB की अब तक की सबसे बेस्ट वॉशिंग मशीन में से एक मॉडल है। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो दोस्तों तो ज़रूर आप इस मॉडल पर जा सकते हैं, अगर आपका मन एक साइलेंट और वाइब्रेशन कम वाली मशीन लेने का है तो। तो दोस्तों ये थी IFBB की मशीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोग कोई IFBB की मशीन के बारे में, नई मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो DJ इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।